टीम इंडिया ने किया न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप, लगातार तीसरा मैच जीतकर रोहित शर्मा ने रचा इतिहास। क्या है पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहे वीडियो में लास्ट तक। कोलकाता में खेले गए तीसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए भारतीय टीम की शुरुआत जोरदार रही। पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन ने 38 गेंदों पर 69 रन जोड़े। यह जोड़ी कीवी टीम के लिए खतरनाक साबित हो रही थी, लेकिन मिचेल सेंटर ने ईशान किशन को आउट कर साझेदारी को तोड़ा। चार गेंद के बाद ही सेंटर ने सूर्य कुमार यादव का विकेट चटकाया। कप्तान सेंटर यही नहीं रुके और अपने अगले ओवर में उन्होंने ऋषभ पंत को पूरे रन का रास्ता दिखाया। हालांकि रोहित शर्मा ने शानदार बैटिंग करते हुए 27 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की। वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके और 56 रन बनाकर इस ओडी की गेंद पर आउट हुए। न्यूजीलैंड को पांचवी सफलता ट्रेंट बोल्ट ने वेंकटेश अय्यर को आउट कर दिलाई। हालांकि भारत के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 180 के पार पहुंचाया। 185 रनों के टारगेट का पीछे करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत हालांकि अच्छी रही, लेकिन उसके नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण न्यूजीलैंड की टीम 185 रन के टारगेट को हासिल नहीं कर पाई और लगातार तीसरी बार हरा कर भारत ने इतिहास रच दिया।